गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ के लिए एक छोटा सा, वैसे तो दिस गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस, क्योंकि जो टॉपिक आज हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे वो सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और राइटिंग सेक्शन में क्लास सिक्स में भी आता है, सेवन्थ में भी आता है, एट्थ में भी आता है, और बाकी जगह भी आ सकता है। तो आज हम लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। सभी ने सुना है, काफ़ी कॉमन टॉपिक है, माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, ये हो जाएगा आपका टाइटल। इट शुड बी इन द मिड, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, FRIEND। अब हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं किसी भी काम को शुरू करने के लिए। हम लिख सकते हैं जैसे आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। देखो, एक तो सिंपल होता है कि किसी का बच्चा नाम लिख देता है कि ही इज़ माई, उसका नाम लिख देंगे, लाइक कोई भी आपने नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, सुमित आपने लिखा, तनुज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से शुरू करने के लिए हम लिख सकते हैं आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट थोड़ा सा अच्छा हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स बट। अब यहाँ पे मैं डैश कर रही हूँ, चलो मैं किसी का भी नाम लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, बट मेहर एक अलग नाम, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लेना, ठीक है। अगर लड़की का लिखना है, जो गर्ल्स बॉयज़ जो भी लिखना है, तो अगर आप बॉय का लिखेंगे, बस ये याद रखना है कि अगर नाम बॉय का है तो आगे जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही होगा। अगर हम गर्ल का नाम लिखेंगे तो आगे जो प्रोनाउन होंगे उसकी जगह पे शी होंगे, पहले भी बता रखा है, फॉर बॉय ही एंड फॉर गर्ल्स शी हो जाता है। अब ऐसा करती हूँ कि मैं दोनों ही नाम लिख लेती हूँ और हर जगह दो दो ही लिखूँगी। अब जो ये आपको ध्यान रखना है कि आप गर्ल्स का नाम लिखेंगे तो शी होगा, बॉय का लिखेंगे तो ही होगा। अभी मैं सिर्फ एक सैम्पल लिख रही हूँ, सो आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स बट मेहर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख लो, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब अगर हम चाहें गर्ल का नाम लिखना चाहेंगे तो गर्ल का लिख लो, शी लगा लेना, बॉय का लिखना है तो क्या आएगा, ही। और जब हम किसी भी टॉपिक को शुरू कर दें, फर्स्ट टाइम में ही नाउन आता है और उसके बाद क्या आने लग जाता है, प्रोनाउन। अब मैं लिखूँगी ही स्टडीज़, देखो स्टडी मैंने बताया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही स्टडीज़ विद मी, वो मेरे साथ, ही स्टडीज़ विद मी इन क्लास सिक्स, ठीक है, इन क्लास सिक्स, वो मेरे साथ, मेरी क्लास कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्लास सिक्स। वी आर, अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑलवेज share our we are very good friends, yahan pe aap FRIENDS, we are very good friends and always share our problems, hum bahut acche dost hain aur apni problems ek dusre se share karte hain। ab why Mihir is your best friend, isko hum center pe le aate hain, इसको थोड़ा सा सेटिंग इसकी ठीक कर लेंगे, ठीक है, हम इसकी सेटिंग को थोड़ा, हाँ ऐसे, सो ऑलवेज शेयर आवर प्रॉब्लम्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑलवेज शेयर आवर प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा सा मैं अच्छा, आप इससे सिंपल सीख सकते हो, आपकी बुक्स में होता है, बट आई फील कि 9th-10th के बच्चे भी सीखे, क्योंकि माई बेस्ट फ्रेंड 10th में भी आता है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑलवेज शेयर आवर प्रॉब्लम्स, ही, अब मेहर, ये ही किसके लिए आ रहा है, मेहर के लिए, ही बिलोंग्स माने संबंध रखना, उस घर से, उस फैमिली से बिलोंग करता है, कहते हैं ना, तो ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली एंड एज हिज फादर is a clerk, उसके पिताजी एक क्या है, क्लर्क है,
ठीक है, एज एज फादर इज़ अ क्लर्क, उसके पिताजी क्लर्क हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है क्लर्क, बट लेकिन बट ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय, पर वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, बट ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय, ही ऑलवेज he is very good in maths, English and all subjects. ठीक है, वो सब में बहुत अच्छा है. He helps me, वो मेरी भी मदद करता है. He helps me to solve difficult questions. QUES. He helps me to solve difficult questions in maths and in maths. He gar do simple sa, theek hai. He helps me to solve difficult questions in maths. ही इज़, देखो मैं हर जगह ही लिख रही हूँ, प्रोनाउन है ही चल रहा है, ठीक है ना, बिकॉज मेहर बॉय है. अगर मैं मेहर की जगह मिह का कोई नाम लिख देती, मान लो बॉय की जगह गर्ल लिख देती, तो फिर मैं वहाँ पे क्या आ जाता, शी आ जाता, ठीक है. ही हेल्प्स मी टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन मैथ्स. ही इज अ सिंपल बट इंटेलिजेंट. ही इज सिंपल बट एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ऑलवेज इंटेलिजेंट बॉय इन आर क्लास. फिर है ही ऑलवेज stands first in the class. All the teachers like him. सारे teachers उसे बहुत पसंद करते हैं. All the teachers like him. Just because of his humble मैंने क्या होता है विनम्र humble attitude, व्यवहार जिसे कहेंगे, ठीक है, humble attitude. He is respectful to the elders. एल्डर माने अपने से बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करता है. एंड ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स एंड ऑलवेज हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन द क्लास. और क्लास में सभी बच्चों की मदद करता रहता है, ठीक है. All the teachers like him just because of his humble attitude. He is respectful to the elders and always helps the students in the class. I feel proud. मतलब मुझे गर्व होता है. I feel proud to have such a diligent. चलो सिंपल कर लो, सच अ गुड फ्रेंड कर देती हूँ. गुड फ्रेंड.
बहुत सारे तरीके हैं, आप अलग अलग तरह से अपने टॉपिक्स को लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही लिखना है, ये सिर्फ एक सैम्पल है। आपको अपने फ्रेंड में जो भी काबिलियत लगती है वो लिख लो। कई लोग आप इसमें उसकी फैमिली को भी पूरा बता सकते हो, कितने लोग हैं, ये है, इस तरह से डिटेल दे सकते हो। अच्छा लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं फिर से इसे पढ़ रही हूँ, सिंपल सा मैंने लिखा है बस। अब मैं यहाँ पे मान लो मिहिका है, मिहिर की जगह अगर मिहिका हो जाएगा तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अगर मिहिका कर दूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स बट मिहिका इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी स्टडीज़, ही की जगह में शी हो जाएगा। इसलिए दोबारा पढ़ रही हूँ कि जब आप लिखें तो ये ध्यान में रखें। शी स्टडीज़ विद मी इन क्लास सिक्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑलवेज शेयर आर प्रॉब्लम्स। अब शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, एज हिज लिखा है ना, हिज बॉय के लिए आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर, शी के साथ हर आ जाएगा। शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली एज हर फादर इज़ अ क्लर्क बट शी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ये हट गया था, एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय लिखा है ना। अब शी बोल रही तो बॉय की जगह क्या हो जाएगा, गर्ल, बट शी इज़ एन भी आना चाहिए, शी इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड गर्ल हो जाएगा। अगर मैं ऊपर अपनी फ्रेंड की जगह पे गर्ल का नाम लिखती हूँ तो शी इज़ वेरी गुड इन मैथ्स इंग्लिश एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, शी हेल्प्स मी टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन मैथ्स, शी इज़ अ सिंपल बट एन इंटेलिजेंट गर्ल इन आर क्लास। अब शी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, ऑल द टीचर्स लाइक हर, हिम की जगह में क्या आ जाएगा, हर। देखो मैंने गर्ल वाला भी पढ़ लिया, मैं इतना बार बार टाइप नहीं कर रही हूँ, सुन लो ध्यान से। सो ऑल द टीचर्स लाइक हर जस्ट बिकॉज ऑफ हर, हिस की जगह हर, हम्बल एटीट्यूड, शी इज़ रिस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स एंड ऑलवेज हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई फील प्राउड टू हैव सच अ गुड फ्रेंड। सो आई होप कि एक सिंपल टॉपिक जो हमने माय बेस्ट फ्रेंड पे किया, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसको सभी बच्चे लिख सकते हैं, छोटी क्लास, बड़ी क्लासेस के बच्चे, वैसे तो ये सिक्स सेवन एट्थ तक ज़्यादा, लेकिन ये तो नाइन्थ टेंथ के बच्चों को बिल्कुल पता है कि क्या वो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। सो कम से कम इतना लिखना आपको सीखना ही है, सच अ गुड फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया एक टॉपिक हमने जो किया है, माय बेस्ट फ्रेंड। सभी लिखेंगे, सब याद भी करेंगे, और भी कुछ ऐड करना है, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर बॉय का नाम लिखते हैं तो प्रोनाउन क्या हो जाता है, ही, और गर्ल का लिखेंगे तो शी, हिज की जगह में बॉय के लिए हिज, गर्ल के लिए हर, बॉय के लिए हिम, गर्ल के लिए हर ही आता है, ठीक है। सो नाउ जस्ट डू इट।